फल्गुनी प्रोष्ठपदानां च नक्षत्रे तिस्य पुनर्वश्वोर द्विवचनस्य बहुवचनम् तिस्य पुनर्वश्वोर बहुवचनस्य द्विवचनम् नित्यम् एवं स नपुंसकम्। इन तीन सूत्रों पर एवं स नपुंसकम् इस सूत्र के अंतर्गत अनेक वार्तिक हैं, इन वार्तिकों पर इस पाठ में विचार किया जाएगा। स नपुंसकम् यह सूत्र एवं इस सूत्र के अंतर्गत आने वाले जो वार्तिक हैं उनका तत्पुरुष समास की प्रक्रिया में बहुत उपयोग होता है, उदाहरणों में बहुत प्रयोग मिलता है, इसीलिए इस सूत्र का एवं इसके अंतर्गत आने वाले वार्तिकों को भली भांति हृदयंगम करना चाहिए, इनके अर्थ को समझना चाहिए। आज का जो प्रथम सूत्र है वह है फल्गुनी प्रोष्ठपदानां च नक्षत्रे। यह सूत्र वस्तुतः द्विवचन में बहुवचन का विधान करता है। फल्गुनी प्रोष्ठपदानां च नक्षत्रे, फल्गुनी नक्षत्र दो हैं, इसी प्रकार से प्रोष्ठपदा अर्थात भाद्रपदा नक्षत्र भी दो हैं, तो कुल मिलाकर के चार नक्षत्र हो जाते हैं। अगर इनको अलग अलग देखेंगे तो दो फल्गुनी हुए, दो प्रोष्ठपदा हुए, तो दो दो अलग होने के कारण से द्विवचन की प्राप्ति थी। जहाँ पर दो फल्गुनी नक्षत्र होंगे वहाँ पर द्विवचन प्राप्त होगा, जहाँ दो प्रोष्ठपदा भाद्रपदा नक्षत्र होंगे वहाँ पर द्विवचन की प्राप्ति होगी द्वित्व होने के कारण से। किंतु उस द्वित्व में बहुत्व का विधान करने के लिए, वैकल्पिक द्वित्व का विधान करने के लिए, पाक्षिक बहुत्व का विधान करने के लिए यह सूत्र आता है। तो फल्गुनी प्रोष्ठपदानां च नक्षत्रे तीन पद का सूत्र है। इसमें जो फल्गुनी प्रोष्ठपदानां पद है उसमें फल्गुनी शब्द में और प्रोष्ठपदा शब्द में एक शेष हुआ है, फल्गुनी च इति फल्गुन्यौ, एक शेष होकर के फल्गुन्यौ यह रूप बनता है। इसी प्रकार से प्रोष्ठपदा च इति प्रोष्ठपदे यह रूप बनता है। फिर फल्गुन्यौ च प्रोष्ठपदे च इति फल्गुनी प्रोष्ठ पदानि तेषां फल्गुनी प्रोष्ठपदानां, इस प्रकार से षष्ठी विभक्ति बहुवचन का यह रूप निष्पन्न हो जाता है। नक्षत्रे शब्द भी प्रथमा विभक्ति द्विवचन का ही है, नक्षत्रम नक्षत्रे, नक्षत्रे प्रथमा विभक्ति द्विवचन का है। और फल्गुनी शब्द का अर्थ जब नक्षत्र हो या प्रोष्ठपदा शब्द का अर्थ जब नक्षत्र हो तब फल्गुनी चूंकि दो हैं, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, इसी प्रकार से प्रोष्ठपदा भी दो हैं, पूर्वा भाद्रपदा उत्तरा भाद्रपदा, तो उनमें द्विवचन की प्राप्ति थी दो दो संख्या होने के कारण से। उस द्विवचन में बहुवचन का विधान करने के लिए यह सूत्र है, उसी को वृत्ति में आचार्य दीक्षित जी लिखते हैं, द्वित्वे बहुत्व प्रयुक्तम कार्यम वास्याद, द्वित्वे जहाँ पर द्वित्व प्राप्त है वहाँ पर बहुत्व प्रयुक्तम कार्यम वास्याद, बहुत्व प्रयुक्त कार्य विकल्प से हो, इस प्रकार से सूत्र का अर्थ हुआ। उसी को उदाहरण के रूप में दिया, पूर्वे फल्गुन्यौ पूर्वाह फल्गुन्यः, तो पूर्वे फल्गुन्यौ, यहाँ पर जो फल्गुनी शब्द है वह द्विवचन में है, फल्गुनी च इति फल्गुन्यौ, इसीलिए उसका विशेषण पूर्वे ऐसा लगाया है, पूर्वा पूर्वे, तो पूर्वे फल्गुन्यौ इस प्रकार का रूप बना। और उधर जब द्विवचन में बहुवचन का विधान कर दिया गया तो पूर्वाह फल्गुन्यः इस प्रकार का बहुवचन भी हो गया, तो फल्गुन्यौ के स्थान पर फल्गुन्यः इस प्रकार का प्रयोग भी बनता है। तो पूर्वे फल्गुन्यौ पूर्वाह फल्गुन्यः इस प्रकार के दो रूप बन गए। उसी प्रकार से अग्रिम उदाहरण है, पूर्वे प्रोष्ठपदे पूर्वाः प्रोष्ठपदाः प्रोष्ठपदाश्च इति प्रोष्ठपदे, द्विवचन हुआ तो पूर्वे प्रोष्ठपदे, और जब द्विवचन नहीं हुआ तो बहुवचन हो गया, तो बन गया पूर्वाः प्रोष्ठपदाः। तो यह दोनों शब्द फल्गुनी शब्द और प्रोष्ठपदा शब्द यहाँ पर नक्षत्र अर्थ के वाचक है, नक्षत्र अर्थ इनका विधेय है, इसलिए यहाँ पर द्विवचन बहुवचन का विधान हुआ है। किंतु यहाँ पर यह फल्गुनी शब्द या प्रोष्ठपदा शब्द नक्षत्रवाचक न होकर के किसी व्यक्ति विशेष के वाचक हो जाएंगे, जिस प्रकार से फल्गु जिससे आगे उदाहरण देते हैं, नक्षत्रे किम फल्गुन्यौ माणविके, नक्षत्र अर्थ जब होगा फल्गुनी शब्द का तभी यह द्विवचन व बहुवचन का विधान होगा, जब नक्षत्र अर्थ नहीं होगा तब द्विवचन व बहुवचन का विधान भी नहीं होगा। जैसे फल्गुन्यौ माणविके, माणवक शब्द है, उसका माणवक का मतलब होता है बालक, उसका स्त्रीलिंग में माणविका बन गया, तो उसके द्विवचन में माणविके, रमा रमे, माणविके माणविका माणविके, माणविके शब्द दो कन्याओं का वाचक हो सकता है, दो लड़कियों का बालिकाओं का वाचक है माणविके शब्द। तो यहाँ पर जो फल्गुनी शब्द है
वह मांडविक का अर्थ को ही बता रहा है, दो फल्गुनी नाम की बालिकाएं, इस प्रकार से यहां पर अर्थ है। फल्गुनी शब्द यहां पर मांडविका का बोधक है, बालिकाओं का बोधक है, बालिकाओं का नाम है, इसीलिए यहां पर द्विवचन ही होगा, बहुवचन नहीं होगा। तो फल्गुन्यौ मांडविके इस प्रकार का ही रूप रहेगा, फल्गुन्यः मांडविकाः इस प्रकार का रूप नहीं बनेगा, यही कहने का तात्पर्य है। तो इस प्रकार से इस सूत्र का विवेचन पूरा होता है। इसके बाद अग्रिम सूत्र है तिष्य पुनर्वस्पोर नक्षत्र द्वंद्वे बहुवचनस्य द्विवचनम नित्यम। पूर्व सूत्र ने तो द्विवचन में बहुवचन का विधान किया विकल्प से, यह सूत्र है बहुवचन में द्विवचन का विधान कर रहा है। बहुवचनस्य द्विवचनम नित्यम और अन्यत्रस्याम की जो अनुवृत्ति आ रही है उसको रोकने के लिए नित्यम का ग्रहण सूत्र में किया गया है। तो बहुवचनस्य द्विवचनम नित्यम, जो बहुवचन है उसमें नित्य ही द्विवचन होगा, यह कहने का तात्पर्य है। यहाँ पर जो तिष्य है वह तो एक ही नक्षत्र है, लेकिन जो पुनर्वसु है वो दो नक्षत्र हैं। तो तिष्य एक हुआ, पुनर्वसु दो हुआ, तो दो नक्षत्र हो गए, कुल मिला के तीन हुए। तीन होने से बहुवचन की प्राप्ति थी और उस बहुवचन में नित्यम द्विवचनम, नित्य से द्विवचन का विधान यह सूत्र करता है। इसलिए उदाहरण क्या दिया, बहुत्वम द्वित्ववद भवती, बहुत्वम द्वित्ववद भवती, जहाँ पर बहुत्व संख्या है उसको द्वित्व के समान मानना चाहिए, उसको उसमें बहुत्व में द्वित्व का विधान करना चाहिए। बहुत्वम द्वित्ववद भवती तिष्यश्च पुनर्वसुच, तिष्यश्च पुनर्वसुच, पुनर्वसु में द्विवचन है, पुनर्वसुश्च पुनर्वसुश्च इति पुनर्वसु, अब तिष्यश्च पुनर्वसुच इति तिष्य पुनर्वसु, अब बहुवचन तिष्यश्च पुनर्वसुच, उधर पुनर्वसु दो हैं, इधर तिष्य एक है, कुल मिलाकर के बहुवचन आना चाहिए था, तिष्य पुनर्वसवः वसवः इस प्रकार का रूप बनना चाहिए था गुरुवः की तरह, लेकिन यहाँ पर बहुवचनस्य द्विवचनम नित्यम, बहुवचन में द्विवचन का नित्य विधान करने के कारण होने के कारण तिष्य पुनर्वसु इस प्रकार का द्विवचन ही रूप, द्विवचन का ही रूप हो गया है। तिष्य पुनर्वसवः इस प्रकार का रूप नहीं बना है। तो नक्षत्र अर्थ होने के कारण से यहाँ पर पुनर्वसु शब्द में द्वित्व और तिष्य में एकत्व बहुवचन की प्राप्ति थी, वह बहुवचन न होकर के यहाँ पर एक द्विवचन ही हुआ, तिष्य पुनर्वसु इस प्रकार का रूप ही निष्पन्न हो गया, तिष्य पुनर्वसु, उसी को लिखा है तिष्यस्य पुनर्वसु च इति तिष्य पुनर्वसु। तिष्येति किम, जहाँ पर नक्षत्रवाचक होंगे, जहाँ पर इन तिष्य और पुनर्वसु का समास होगा वहीं पर यह बहुवचन व द्विवचन का विधान होगा। नक्षत्र से तिष्य पुनर्वसु से भिन्न नक्षत्र अगर आएंगे तो उनमें फिर द्विवचन बहुवचन में द्विवचन का विधान नहीं होगा, वहाँ तो आपका बहुवचन भी हो जाएगा। उसी को लिखा है विशाखानुराधाः, विशाखा विशाखे च अनुराधाश्च, विशाखा दो हैं हैं, विशाखा नक्षत्र दो हैं इसलिए द्वित्व संख्या होगी, अनुराधा नक्षत्र अनेक, अनुराधा अनेक हैं इसलिए वहाँ बहुत्व संख्या है। तो यहाँ पर हैं जो विशाखा और अनुराधा हैं वह तिष्य और पुनर्वसु नक्षत्र से भिन्न हो गए, इसीलिए यहाँ पर जो बहुवचन में द्विवचन का विधान नहीं होगा, यहाँ तो नित्य ही बहुवचन हो जाएगा। विशाखे च अनुराधाश्च इति विशाखानुराधाः, इस प्रकार से बहुवचन का ही विधान होगा, द्विवचन का विधान नहीं होगा, क्योंकि तिष्य और पुनर्वसु इनका ही इनके द्वंद्व में ही बहुवचन में द्विवचन का विधान यह सूत्र करता है। इससे भिन्न नक्षत्रवाचक शब्द आ जाएंगे तो उनके हैं उनके द्वंद्व में फिर द्विवचन में बहुवचन का विधान, बहुवचन में द्विवचन का विधान यह सूत्र नहीं करेगा, अभी तो वहाँ तो बहुवचन ही हो जाएगा। तो विशाखानुराधाः इसी प्रकार का रूप बन जाता है, विशाखानुराधाः नक्षत्रे किम, और वो ये दोनों भी नक्षत्रवाचक शब्द ही होने चाहिए। अगर ये तिष्य पुनर्वसु किसी बालक इत्यादि का नाम हो जाएंगे तो वहाँ पर भी फिर आपका बहुवचन में द्विवचन का विधान नहीं होगा। नक्षत्रे इति किम तिष्य पुनर्वसवो माणवकाः, अब ये जो माणवक शब्द है बालक का वाचक है, और माणवक कौन है तो तिष्य और पुनर्वसु हैं, तो दो पुनर्वसु हो गए, एक तिष्य हो गया, ये तीन बालक हैं, तीन माणवक हैं, तो माणवक का वाचक हो गया तिष्य पुनर्वसु शब्द, इसलिए यहाँ पर बहुवचन में द्विवचन का विधान नहीं होगा, अभी तो यहाँ तो बहुवचन ही हो जाएगा। तो तिष्य पुनर्वसवः वसवो माणवकाः हैं, तिष्यस्य पुनर्वसु च इति तिष्य पुनर्वसवः माणवकाः, यहाँ पर नक्षत्र अर्थ के वाचक तिष्य पुनर्वसु नहीं है, माणवक अर्थ के वाचक हैं, बालक अर्थ के वाचक हैं, इसलिए बहुवचन में द्विवचन नहीं हुआ, अभी तो बहुवचन ही हो गया। तो तिष्य पुनर्वसवो माणवकाः इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से तिष्य पुनर्वसवो नक्षत्र द्वंद्वे बहुवचनस्य द्विवचनम नित्यम इस सूत्र का विवेचन हुआ। अग्रिम सूत्र है स नपुंसकम, यह सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है, इसके अंतर्गत अनेक वार्तिक हैं जिनका विवेचन प्रारंभ होता है।
तो स नपुंसकम दो पद का सूत्र है, सह यह सर्वनाम है, तत्शब्द के प्रथम व्यक्ति एकवचन का रूप है सह, और सर्वनाम पूर्व का परामर्शक होता है, इसीलिए सह इस पद से द्विगु एकवचनम से द्विगु का परामर्श होगा, और द्वंद्वश्च प्राणितुरी सेनांगानाम सूत्र से द्वंद्व का परामर्श होगा। तो इसी प्रकार से सौ पद के द्वारा द्विगु और द्वंद्व इन दोनों का परामर्श हो जाता है, इसीलिए और यहाँ पर जो द्वंद्व है और जो द्विगु है, द्विगु भी एक तो होता है तद्धितार्थ निमित्तक द्विगु, एक होता है उत्तरपद निमित्तक द्विगु, और एक होता है समाहारार्थक द्विगु। ये तीन प्रकार का द्विगु समास होता है, तद्धितार्थ उत्तरपद समाहारे च सूत्र में सारी चर्चा आई गई है, संख्या पूर्व द्विगु सूत्र में सारी चर्चा आई गई है। तो जो तीन प्रकार का द्विगु है, उस तीन प्रकार के द्विगु में से भी जो समाहारार्थक द्विगु है केवल उसी का परामर्श होता है। इसी प्रकार से द्वंद्व भी दो प्रकार का होता है, इतरेतर योग द्वंद्व और समाहार द्वंद्व, उनमें से समाहार द्वंद्व का ही परामर्श होता है, इतरेतर योग द्वंद्व का परामर्श नहीं होता व्याख्यानात व्याख्यान से। तो व्याख्यान से यहाँ पर समाहारार्थक जो द्विगु है उसका परामर्श होगा, और समाहारार्थक जो द्वंद्व है उसका परामर्श होगा। तो समाहारार्थक जो द्विगु और समाहारार्थक जो द्वंद्व नपुंसकम, वो नपुंसक लिंग में होता है, समाहार अर्थ में है, इसलिए एक वचन तो स्वतः सिद्ध था, लेकिन नपुंसक लिंग का विधान इस सूत्र के द्वारा कर दिया जाता है, इसीलिए स नपुंसकम इस की वृत्ति लिखते हैं। समाहारे द्विगुर द्वंद्वश्च नपुंसकम स्यात्, समाहार अर्थ में होने वाला जो द्विगु और समाहार अर्थ में होने वाला जो द्वंद्व वह नपुंसकम स्यात्, वह नपुंसक लिंग में ही प्रयुक्त होता है। तो इस प्रकार से इस सूत्र का अर्थ निष्पन्न होता है, और उदाहरण देते हैं परवल लिंगतापवाद, कह रहे हैं कि यह परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः सूत्र का अपवाद है, क्योंकि द्वंद्व समास होने पर जो पर वाला पद होता है उसके अनुसार लिंग का विधान परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः सूत्र के द्वारा होता है, लेकिन यह सूत्र क्या करेगा, समाहार अर्थ में जहां पर द्विगु होगा या समाहार अर्थ में जहां पर द्वंद्व होगा वहां पर परवल लिंग का परवल लिंगता का अपवाद कर करके नपुंसक लिंग का विधान करेगा, इसलिए यह परवल लिंगापवाद है, परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः उस सूत्र का यह अपवाद बन जाता है। पंचगवम दंतोष्ठम, यह दो उदाहरण दिए, इसमें पंचगवम यह समाहारार्थक द्विगु समास का उदाहरण है, और दंतोष्ठम समाहारार्थक द्वंद्व समास का उदाहरण है। पहला उदाहरण है पंचगवम, पंचानाम गवाम समाहारः, इस लौकिक विग्रह में पंचन आम गो आम इस अलौकिक विग्रह में तद्धित अर्थोत्तरपद समाहारे च इस सूत्र के द्वारा समाहार अर्थ के वाच्य होने पर समास कर दिया जाता है। समास होते प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिकत्वात् स्वाद सुभलुग सुपोधातु प्रातिपद से सुभलुग हो जाता है, पंचन गो बन जाएगा प्रत्यक्षण से पंचन के नकार का, प्रत्यक्षण से पंचन को पद मान करके नकार का लोप हो जाएगा, पंचगो बन जाता है। पंचगो बनने के बाद पंचगो यह आपका संख्या पूर्वक है, इसलिए इसकी संख्या पूर्व द्विगु से द्विगु संज्ञा हो गई है, और इसलिए पंचगो आपका समाहारार्थक द्विगु हो गया, उससे समासांतर टच प्रत्यय हो जाता है गोरत लुकी सूत्र के द्वारा। तो पंचगो अ अवादेश पंचगव, अब ये चूंकि समाहार अर्थ में हुआ है इसलिए एक वचन हो जाएगा समाहार के एक होने के कारण से, और एक वचन होते ही फिर गो के अनुसार समस्त पद का लिंग प्राप्त था, लेकिन उसको या पुल्लिंग होता या स्त्रीलिंग होता, लेकिन उसको बाध करके इस सूत्र ने नपुंसक लिंग का विधान कर दिया। नपुंसक लिंग का विधान करने से पंच गव से सुआया अम हो गया, पूर्व से पूर्वरूप हो गया पंच गवम, इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो गया। तो समाहारार्थक द्विगु जो होगा वह नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होगा, पंचगवम इसका उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण है दंतोष्ठम, दंताश्च ओष्ठौ च, दंताश्च ओष्ठौ च दंतजस ओष्ठौ, इस लौकिक विग्रह में हैं द्वंद्वश्च प्राणितुरी सेनांगानाम इस सूत्र के द्वारा समाहार द्वंद्व हो जाता है, समाहार अर्थ में द्वंद्व समास हो जाता है। द्वंद्व समास होने से यहाँ पर फिर दंत जस ओष्ठ औ में विभक्ति इत्यादि का लुक होकर के दंत ओष्ठ ऐसी स्थिति बन गई है, और ओत्वोष्ठयो समासे वार्तिक के द्वारा विकल्प से पररूप होगा तो दंतोष्ठ बन गया। समाहार अर्थ में द्विगु समाहार अर्थ में द्वंद्व हुआ है, इसे समाहार के एक गुण से एक वचन की ही प्राप्ति है, और फिर वहाँ पर इस सूत्र के द्वारा नपुंसकम से नपुंसक लिंग का विधान हो गया, नपुंसक लिंग का विधान होने से सु को अम हो गया, अम होने से ही पूर्व से पूर्वरूप होकर के दंतोष्ठम इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है दंतोष्ठम। तो ये समाहार अर्थ में द्विगु समास का द्वंद्व समास का उदाहरण हो गया,
दंतोष्ठम, यहाँ पर द्वंद्वश्च प्राणितुरी सेनांगानम इस सूत्र के द्वारा समाहार द्वंद्व हुआ है। द्वंद्वश्च प्राणितुरी सेनांगानम का विशेष विवेचन द्वंद्व समास की प्रक्रिया में आएगा। अभी उतना समझना चाहिए कि ये प्राण्यंग है, प्राणी के अंग के वाचक शब्द हैं दंत और ओष्ठ, इसलिए इनका समाहार द्वंद्व ही होता है द्वंद्वश्च प्राणितुरी सेनांगानम इस सूत्र के द्वारा। तो दंतोष्ठम समाहार अर्थ में द्वंद्व हुआ था उसको नपुंसक लिंग का बना दिया सनपुंसकम सूत्र ने, तो दंतोष्ठम इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो गया। तो इस प्रकार से सनपुंसकम सूत्र के उदाहरण भी दो इन्होंने दिए, इन दो उदाहरणों के द्वारा इसकी इसका व्याख्यान करके उसको उदाहरणों में घटा करके सूत्र की के अर्थ की समाप्ति यहाँ पर होती है। इसके बाद फिर इसमें कुछ वार्तिक हैं जो वार्तिक भी इसी प्रकार के कार्य को निष्पन्न करते हैं, उनका विवेचन अब आगे शुरू कर रहे हैं। प्रथम वार्तिक है अकारांतोत्तर पदो द्विगु स्त्रियां इष्टः, कह रहे हैं कि जो अकारांत उत्तर पद वाला द्विगु समास होता है वह तो स्त्रीलिंग में ही होता है। यह प्रथम वार्तिक आ गया है अकारांतोत्तर पदो द्विगु स्त्रियां इष्टः, इस प्रकार का ऐसा द्विगु समास जिसका उत्तर पद अकारांत है वह स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, उसका उदाहरण क्या दिया पंचमूली त्रिलोकी, यह सब इसके उदाहरण है। पंचानाम मूलानाम समाहार, पंचानाम मूलानाम समाहार इस लौकी विग्रह में, पंचन आम मूल आम इस लौकी विग्रह में, तद्यता अर्थोत्तर पद समाहार चौ सूत्र के द्वारा समाहार वाच्य होने पर समास होने से और संख्या पूर्व द्विगु सूत्र से उसकी द्विगु संख्या होने से पंचमूल यह समाहारार्थक द्विगु हो गया और अकारांत उत्तर पद वाला हो गया, क्योंकि मूल जो है उसमें लकारोत्तर प्रति अकार है वह अकारांतोत्तर पद द्विगु हो गया कौन पंचमूल, अब वह स्त्रियाम इष्ट वह स्त्रीलिंग में चले जाएगा, स्त्रीलिंग में जाने से द्विगु सूत्र के द्वारा स्त्रित्व विवक्षा में ङीप हो जाएगा, ङीप होते ही पंचमूल से ङीप ङीप का ई ई के परम होने पर पंचमूल की भवसंज्ञा होती है स्थिति जैसे अकार का लोप वर्ण सम्मेलन पंचमूली इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से त्रिलोकी भी बन जाता है त्रयाणाम लोकानाम समाहार, त्रिलोक बन गया, लोक शब्द अकारांत उत्तर पद है स्त्रीलिंग में चले गया, अकारांत उत्तर पद द्विगु स्त्रियां इष्ट इस वार्तिक के द्वारा त्रिलोक शब्द, फिर उसको ङीप हो गया द्विगु सूत्र से अन्य प्रक्रिया होकर के भवसंज्ञा स्थिति जैसे अकार का लोप वर्ण सम्मेलन त्रिलोकी, त्रिलोकी इस प्रकार का निष्पन्न हो जाता है। तो पंचमूली त्रिलोकी इनकी नदी संज्ञा हो जाती है, नदी संज्ञा होने से सु आएगा तो उसका फिर हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सूत्र से प्रत्यंग हल सूत्र द्वारा लोप हो जाएगा, तो पंचमूली त्रिलोकी इत्यादि रूप निष्पन्न हो जाते हैं। तो अकारांतोत्तर पदो द्विगु स्त्रियां इष्ट कहने का तात्पर्य यही हुआ कि अकारांत है उत्तर पद जिसका ऐसा जो द्विगु समास वह स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, उसके दो उदाहरण दिए पंचमूली त्रिलोकी। इसी प्रकार से अष्टाध्यायी अष्टानाम अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः इत्यादि विग्रह में अष्टाध्यायी शब्द अकारांत उत्तर पद वाला ही है, उसे ङीप हो जाएगा तो अष्टाध्यायी इस प्रकार के रूप निष्पन्न हो जाते हैं। तो इसके पर्याप्त उदाहरण मिल जाएंगे त्रिलोकी अष्टाध्यायी पंचमूली इत्यादि, इसके अनेक उदाहरण मिल जाते हैं। इसी क्रम में फिर अनेक अग्रिम वार्तिक आ रहा है आबंतोवा कि जो आबंत होगा आबंत उत्तर पद वाला द्विगु होगा, ऐसा द्विगु समास जिसके जिसका उत्तर पद आप है प्रत्यांत होगा, टाप डाप चाप में से कोई प्रत्यय उसके अंत में लगा होगा, ऐसा जो उत्तर पद द्विगु होगा वह विकल्प से स्त्रीलिंग में जाएगा, एक पक्ष में स्त्रीलिंग में जाएगा और एक पक्ष में स्त्रीलिंग में नहीं जाएगा। जैसे पंचखटवम पंचखटवी, यह दो उदाहरण इन्होंने दे दिए पंचखटवम पंचखटवी। अब पंचानाम खटवानाम समाहार इस लौकी विग्रह में, पंचन आम खटवा आम इस लौकी विग्रह में, तथा अर्थोत्तर पद समाहार चौसूत्र से समास कर दिए, समास प्राजप्त संज्ञा सुब्रुक होकर के पंच नकार का लोप होकर के पंचखटवा बन गया, पंचखटवा इसकी द्विगु संज्ञा हो गई, द्विगु संज्ञा होने समाहार तक द्विगु नपुंसक लिंग में हो जाएगा, सनपुंसकम से नित्य से नपुंसक लिंग प्राप्त था उसको बाद करके आबंतोवा इस वार्तिक के द्वारा इसमें विकल्प से नपुंसक लिंग का विधान होगा, क्योंकि यहाँ पर जो खटवा है वो आबंत उत्तर पद है, विकल्प से नपुंसक लिंग का विधान हुआ तो नपुंसक लिंग का विधान होते ही इसको अकारांतोत्तर पदो द्विगु स्त्रियां इष्टः से यह नपुंसक लिंग का जब विकल्प से विधान हुआ तो फिर ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य से इसको ह्रस्व हो जाता है, ह्रस्व होने के कारण से पंचखटवा पंचखटवा इस रूप में आ जाता है और सु अम पंचखटवम इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। नपुंसक लिंग में जाते ही ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य से यहाँ पर ह्रस्व हो जाएगा, खटवा के आ को ह्रस्व होते ही सु अम हो जाएगा और पंचखटवम इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। और जब इसमें नपुंसक लिंग नहीं होगा तो उस पक्ष में तो पंचखटवा इस प्रकार का रूप रहेगा, अब नपुंसक लिंग में होगा नहीं तो इस पक्ष में फिर इसकी एक व्यक्ति चापुर निपाते से ह्रस्व गोस्त्री रूप सर्जन से ह्रस्व हो जाएगा, पंचखटवा को
है नपुंसक लिंग मैं जब नहीं होगा उस पक्ष में गोस्त्री और उपसर्जन से पंचखटुआ को ह्रस्व कर देना, पंचखटुआ बना देना है। पंचखटुआ बनाने के बाद फिर यह अकारांत उत्तरपद द्विगु हो गया। अकारांत उत्तरपद द्विगु होने से यह स्त्रीलिंग में चले जाएगा। स्त्रीलिंग में जाने से फिर इसको द्विगु सूत्र से ङीप हो जाएगा। ङीप होने से पंचखटुवी इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। तो अकारांत उत्तरपद आबंत उत्तरपद वाला जो द्विगु होगा वह विकल्प से स्त्रीलिंग में जाता है, एक पक्ष में स्त्रीलिंग में जाता है, एक पक्ष में स्त्रीलिंग में नहीं जाता है। तो जिस पक्ष में स्त्रीलिंग में नहीं जाएगा उस पक्ष में पंचखटुवम इस प्रकार का रूप रहेगा, और जिस पक्ष में स्त्रीलिंग में चले जाएगा उस पक्ष में ङीप इत्यादि होकर के पंचखटुवी इस प्रकार का रूप बन जाता है। तो दो प्रकार के रूप बन गए आपके, पंचखटुवम और पंचखटुवी। यह आबंतो वा इस वार्तिक का उदाहरण निष्पन्न होता है, पंचखटुवम पंचखटुवी। इसी क्रम में अग्रिम वार्तिक है, अनो नलोपश्च वाच दिगुः स्त्रियाम्। अनो नलोपश्च वा अनो नलोपश्च वाच दिगुः स्त्रियाम्। पंचतक्षम और पंचतक्षी यह दो रूप बनाने हैं, पंचतक्षम पंचतक्षी। अब पंचतक्षम और पंचतक्षी यहाँ पर वस्तुतः तक्षण शब्द है, इसलिए अकारांत उत्तरपद वाला नहीं है, अनंत उत्तरपद वाला है, इसलिए इस वार्तिक का आरंभ करना पड़ रहा है। तो अनो नलोपश्च वाच दिगु स्त्रियाम यह वार्तिक है। इस वार्तिक में जो अनो नलोपश्च में अनह है वह षष्ठ्यंत है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, लेकिन उसकी आवृत्ति की जाती है तो एक अनह और प्राप्त हो जाता है, और जो दूसरा अनह है वह प्रथमांत हो जाता है। मूल जो अनह है वो तो षष्ठ्यंत ही है, लेकिन जब षष्ठ्यंत की आवृत्ति करके एक अनह और ले आएंगे तो ये जो दूसरा अनह आएगा यह प्रथमांत बन जाता है। अब यह जो दूसरा अनह प्राप्त हो गया आवृत्ति करके, इस अनह का द्विगुह के साथ अन्वय होता है, और द्विगु विशेष बन जाएगा, अनह विशेषण बन जाएगा, तो उसमें तदंत विधि हो जाती है। तदंत विधि होने से अर्थ बन जाता है, अनंतो द्विगुह स्त्रियाम वा स्यात्। इस प्रकार से अर्थ बनता है, अनंतो द्विगुह स्त्रियाम वा स्यात्, कि अन है अंत में जिसके ऐसा जो द्विगु समास वह विकल्प से स्त्रीलिंग में जाता होता प्रयुक्त होता है। अन है अंत में जिसके ऐसा जो द्विगु समास वह विकल्प से स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। यह अनह की अनुवृत्ति करके उसको द्विगु उसका अन्वय द्विगु के साथ करके अनहमत दंत विधि करके इस प्रकार का अर्थ निष्पन्न हो जाता है कि अनंतो द्विगुह स्त्रियाम वा स्यात्। तो ये तो एक अनह हो गया, अब एक दूसरा अनह बचा, उस का लोपह इत्यादि के साथ अन्वय कर करके अर्थ बन जाता है, अनो नस्य लोपह स्यात्, अन के नकार का लोप भी होता है। तो इस प्रकार से इस सूत्र के इस अनह की अनुवृत्ति करके के दो अर्थ बन जाते हैं, एक तो अनंतो द्विगुह स्त्रियाम वा स्यात्, अनंत द्विगु विकल्प से स्त्रीलिंग में हो एक अर्थ बन गया, और अनो नस्य लोप स्यात्, अन के नकार का लोप होता है। अब यहाँ पर जो अन के नकार का लोप होता है वह दोनों पक्ष में होगा, स्त्रीलिंग में भी होगा, जब अनंत शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होगा तब भी नकार का लोप होगा, और जब अनंत शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होगा तब भी अन के नकार का लोप होगा। अन के नकार का लोप तो दोनों पक्षों में होता है, लेकिन अनंत द्विगु स्त्रीलिंग में विकल्प से जाएगा, एक पक्ष में स्त्रीलिंग में जाएगा और एक पक्ष में फिर वह नपुंसक लिंग में ही रहेगा, सनपुंसकम से नपुंसक लिंग ही उसमें होता है। तो जो वाग्रहण है, वाग्रहण का संबंध स्त्रियाम इसके साथ ही है, नलोप के साथ वाग्रहण का संबंध नहीं है, इसलिए विकल्प से स्त्रीलिंग होगा, नकार लोप का विकल्प नहीं है, नकार लोप की तो नित्यता ही है ना, इसलिए स्त्रीत्व के अभाव में भी नकार का लोप हो ही जाता है। तो इस प्रकार से इस वार्तिक का अर्थ निष्पन्न हो जाता है, और उदाहरण दे रहे हैं पंचतक्षम पंचतक्षी, पंचानाम तक्षणाम समाहार, इस प्रकार से अलौकिक विग्रह करना है, पंचन आम तक्षण आम, इस प्रकार से अलौकिक विग्रह करना है। तो पंचन आम तक्षण आम इस अलौकिक विग्रह में है समाहार्थोत्तरपद समाहारे च, इस वार इस सूत्र के द्वारा समास होकर के पंचन तक्षण इस प्रकार का रूप बन जाता है। पंचन तक्षण में जो पूर्व का पंचन का नकार है उसका उसकी तो प्रत्यरक्षण से पद संज्ञा करके नलोप प्रातिपदिकांत से लोप हो जाएगा, पंचतक्षण इस प्रकार का रूप बन जाता है। अब ये अनंत द्विगु है क्योंकि पंचतक्षण की संख्या पूर्व द्विगु सूत्र के द्वारा द्विगु संज्ञा है, अनंत द्विगु है, अनंत द्विगु होने के कारण से यह स्त्रीलिंग में चले जाएगा और एक पक्ष में नकार का लोप हो जाएगा, नकार का लोप हो जाएगा तो पंचतक्ष बन जाएगा, स्त्रीलिंग में चले जाएगा, ङीप हो जाएगा, पंचतक्षी इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है, पंचतक्षी। और जब स्त्रीलिंग में नहीं जाएगा तो उस पक्ष में नकार का लोप होगा, सनपुंसकम से नपुंसक लिंग हो जाएगा, वसु आएगा अम होगा, तो पंचतक्षम इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है।
तो पंचतक्षी और पंचतक्षम इस प्रकार के दो रूप निष्पन्न हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये होता है कि पंचन के नकार का भी लोप किया गया है नलोपः प्रातिपदिकान्त से सूत्र के द्वारा, तो जिस प्रकार से नलोपः प्रातिपदिकान्त से सूत्र ने पंचन के नकार का लोप किया, उसी प्रकार से तक्षण के नकार का लोप भी नलोपः प्रातिपदिकान्त से सूत्र से ही कर देते, उसके लिए वार्तिक में अलग से नलोप विधान करने की क्या आवश्यकता थी? तो उसका उत्तर यह है कि नलोपः प्रातिपदिकान्त से सूत्र के द्वारा पंचन के नकार का लोप तो हो जाएगा, लेकिन तक्षण के नकार का लोप करने जब वह जाएगा तो प्रत्यय प्रत्यय लक्षण का ही निषेध हो जाएगा। उत्तर पदत्वे चापदादि विधौ इस व्यवस्था से इस परिभाषा के द्वारा यहाँ पर उत्तर पद में जब अपदादि विधि जो उत्तर पद में होने वाली जो अपदादि विधि उसमें प्रत्यय लक्षण का इस वार्तिक से निषेध कर दिया, इस परिभाषा से निषेध कर दिया जाता है। प्रत्यय लक्षण ही नहीं हो पाएगा, प्रत्यय लक्षण नहीं हो पाएगा तो पद नहीं बन पाएगा, पद नहीं बनने के कारण से नलोपः प्रातिपदिकान्त से सूत्र के द्वारा नकार का लोप नहीं हो सकता था। इसीलिए यहाँ पर पंचतक्षण में नकार का लोप करने के लिए वार्तिक में नलोप वचन इस प्रकार से विशेष रूप से आरंभ करना पड़ा। इसका फल यह होता है परम वाचा इत्यादि रूपों की सिद्धि हो जाती है। उत्तर पदत्वे चापदादि विधौ के द्वारा जब उत्तर पदादि विधि से भिन्न अपदादि विधि में उत्तर पद को निमित्त उत्तर पद में प्रत्यय लक्षण का जब निषेध हो जाता है तो परम वाचा में परम वाच शब्द की पद संज्ञा नहीं होती, पद संज्ञा नहीं उनके कारण से उसको कुत्तो भी नहीं होता, तो परम वाचा इस प्रकार का रूप बनता है, अन्यथा परम वागा इत्यादि अनिष्ट रूप बनने लगते हैं। तो उत्तर पदत्वे चापदादि विधौ इस परिभाषा के द्वारा प्रत्यय लक्षण का निषेध कर दिए जाने के कारण से नलोपः प्रातिपदिकान्त से सूत्र के द्वारा नकार का लोप नहीं हो सकता था, इसलिए नकार का लोप करने के लिए वार्तिक में नलोप नयो नस्य लोपः अनो नस्य लोपः नकार के का लोप होता है, इस प्रकार से भी कहना पड़ा। तो इस प्रकार से पंचतक्षम और पंचतक्षी या दो इन दो रूपों की सिद्धि हो जाती है। इसी क्रम में अग्रिम वार्तिक है पात्राद्यंतस्य न। अब इससे पहले एक वार्तिक गया था अकारांतोत्तर पदो दिघु स्त्रियामिष्टः, अब उसका निषेध करने के लिए यह वार्तिक है पात्राद्यंतस्य न, कि अकारांत उत्तर पद वाला द्विगु समास स्त्रीलिंग में प्रयुक्त तो होता है, ये बात ठीक है, लेकिन पात्राद्यंतस्य न, अगर पात्रादिगण पठित शब्द उसके उत्तर पद में आएंगे भले ही वो अकारांत हो तो वह स्त्रीलिंग में फिर प्रयुक्त नहीं होगा, है ना। त्रिभुवनम इत्यादि रूपों की सिद्धि के लिए इस वार्तिक की अत्यंत आवश्यकता हो जाती है। तो पात्रादिगण पठित जो शब्द वह अकारांत उत्तर पद के रूप में विद्यमान है तो उनको अकारांत उत्तर पद मान करके अकारांतोत्तर पदो दिघो स्त्रियामिष्ट इस वार्तिक के द्वारा जो स्त्रीलिंग प्राप्त स्त्रीलिंग की प्राप्ति थी उसका इस वार्तिक के द्वारा निषेध कर दिया जाता है पात्राद्यंतस्य न। तो पात्रादिगण पठित अगर उत्तर पद में आएंगे तो उसमें फिर स्त्रीलिंग नहीं होगा, वहां तो फिर सामान्य नपुंसकम सनपुंसकम से नपुंसक लिंग का ही विधान होगा, जिस प्रकार उसका उदाहरण दे रहे हैं चतुर्युगम पंचपात्रम त्रिभुवनम चतुर्युगम, तीन उदाहरण दे दिए पंचपात्रम त्रिभुवनम चतुर्युगम। तो पंचानाम पात्राणाम समाहार है लौकिक विग्रह पंचन आम पात्र आम अलौकिक विग्रह में तजितार्थोत्तर पद समाहार चौसूत्र के द्वारा समाहार वाचिता में समास हुआ, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा शुभलोक होकर के पंचपात्र बन गया, नकार इत्यादि का लोप होकर के पंचपात्र बन गया, संख्या पूर्व द्विगु सूत्र के द्वारा पंचपात्र की द्विगु संज्ञा हो गई, अकारांत उत्तर पद है पंचपात्र इसीलिए वह स्त्रीलिंग में जाना चाहिए था अकारांतोत्तर पदो द्विगु स्त्रियामिष्ट इस वार्तिक के द्वारा, किंतु उसका पात्राद्यंतस्य न इस वार्तिक के द्वारा निषेध कर दिया गया, अब वह स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होगा तो सनपुंसकम से वह नपुंसकलिंग में ही प्रयुक्त होगा, तो पंचपात्र सु अम अमिपूर्व पूर्व रूप पंचपात्रम इस प्रकार का रूप बन जाता है, न कि पंचपात्री, पंचपात्री रूप नहीं बनता पंचपात्रम इसी प्रकार का रूप बनता है। इसी प्रकार से है त्रिभुवनम है त्रयाणाम भुवनानाम समाहार त्रि आम भुवन आम इस अलौकिक विग्रह में तृतीयार्थोत्तर पद समाहार से समास कर देना है, प्रातिपदिक संज्ञा शुभलोक फिर त्रिभुवन की संख्या पूर्व द्विगु से द्विगु संज्ञा अकारांतोत्तर पद का द्विगु था इसलिए अकारांतोत्तर पदो द्विगु स्त्रियामिष्ट से स्त्रीलिंग की प्राप्ति थी उसका निषेध हो गया पात्राद्यंतस्य न, क्योंकि भुवन शब्द का पाठ त्रिभुवन शब्द का पाठ पात्रादिगण में है इसलिए स्त्रित्व का निषेध हो गया तो नपुंसकलिंग हो गया त्रिभुवनम। ऐसे चतुर्णाम युगानाम समाहार चतुर्युगम इत्यादि रूपों की सिद्धि होती है और पात्रादिगण आकृति गण माना गया है, आकृति गणत्वात् अन्य शब्द जो भी जिन जो कि अकारांतर पद वाले हैं जिनमें कि स्त्रीलिंग होना चाहिए था दिगो से गीप होकर के उनकी सिद्धि स्त्रीलिंग में होनी चाहिए थी, उनकी उनका रूप स्त्रीलिंग में दिखाई देना चाहिए था, अगर वो स्त्रीलिंग में नहीं दिखाई देते हैं वह नपुंसकलिंग में ही दिखाई देते हैं तो उनका भी समावेश आकृति गणत्वात् पात्रादिगण में मान लेना चाहिए। तो यही इस वार्तिक का तात्पर्य है पात्रादिगण
अनंतस्य न त्रिभुवनम चतुर्युगम और पंचपात्रम, यह तीन इसके उदाहरण हो गए। अग्रिम वार्तिका पुण्य सुदिनाभ्याम अहनः क्लीबतेष्टा की इस का विवेचन पहले भी आया था। पुण्य शब्द के बाद में अगर अहन शब्द आ जाए सुदिनाभ्याम और सुदिन शब्द के बाद में अगर अहन शब्द आ जाए तो अहन क्लीबतेष्टा, ऐसा जो समस्त पद होगा वह नपुंसकलिंग में ही इष्ट होता है। हैं वैसे रात्रान हाहा पुंसी सूत्र का यह अपवाद है। रात्रान हाहा पुंसी सूत्र के द्वारा अहन अंत वाला, अहन अंत वाला जो समास होता है वह पुल्लिंग में होता है, किंतु पुण्य सुदिनाभ्याम पुण्य और सुदिन के बाद में अगर अहन शब्द आ जाएगा, अहन शब्द आ जाएगा तो वो फिर आपका नपुंसकलिंग में ही होता है। जैसे पुण्याहम पुण्यंच तत् अहः पुण्यसु अहन सु इस अलौकिक विग्रह में विशेषण विशेषण बोलम सूत्र के द्वारा समास करते थे, पुण्याहम बन जाता है। अहनोन्न एतेभ्य सूत्र के द्वारा अहन आदेश की प्राप्ति होगी तो उसका उत्तमैकाभ्याम च इस सूत्र के द्वारा अहन आदेश का निषेध हो जाएगा। निषेध होने से पुण्याह पुण्याहन यही रूप बना हुआ है। पुण्याहन में फिर समासांत टच प्रत्यय कर करके पुण्याहन राजा हसकेभ्य टच से टच कर दीजिए, पुण्याहन टच टच का और पुण्याहन और भौ संज्ञा अनकालो पुण्याह बन गया। अब इसको पुल्लिंग में जाना चाहिए था रात्रान हाह पुंसी सूत्र के द्वारा, किंतु पुण्य सुदनाभ्याम अहन क्लीबतेष्टा इस वार्तिक से नपुंसकलिंग हो जाता है, सुअम होकर के पुण्याहम इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। अग्रिम उदाहरण है सुदिनाहम सुदिनम च तत् अहः। अब यहाँ पर दिन शब्द और अहन शब्द पर्यायवाची लग रहे हैं, इससे पुनरुक्ति दोष आ रहा है तो उसका समाधान देते हैं कि सुदिन शब्द प्रशस्तवाची, कि जो सुदिन शब्द है वो प्रशस्त का वाचक है। सुदिनाहम का मतलब है प्रशस्त दिन, है ना। सुदिन शब्द यहाँ पर दिन का वाचक नहीं है, प्रशस्त का वाचक है, इसलिए पुनरुक्ति के रूपी कोई दोष नहीं है। सुदिनम च तत् अहः विशेषण विशेषण बोलम सूत्र से समास कर दीजिए, सुदिन अहन बन जाएगा। यहाँ पर अहन आदेश की तो प्राप्ति नहीं है, टच हो जाएगा, भ संज्ञा अनकालोप अकार वर्ण सम्मेलन सुदिनाह और पुल्लिंग की प्राप्ति थी उसको बात करके पुण्य सुदिनाभ्यम अहन क्लीबतेष्टा। पुण्य के बाद में अगर अहन शब्द आ जाए, सुदिन के बाद में अगर अहन शब्द आ जाए तो वह नपुंसक लिंग में ही इष्ट होता है, यह इस वार्तिक का अर्थ है। यह समस्त नपुंसक लिंग में चले जाएगा तो सुदिनाहम इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है, पुण्याहम सुदिनाहम। तो इस प्रकार से पुण्य सुदिनाभ्यम अहन क्लीबतेष्टा इस वार्तिक का विवेचन होता है। अग्रिम वार्तिक है पथः संख्या व्ययादेः संख्या च अव्ययम च इति संख्या व्ययम संख्या व्ययम आदि यस्य असौ संख्या व्ययादि, कि संख्यावाचक शब्द है आदि में जिसके और अव्यय शब्द है आदि में जिसके और कृत समासांत पथिन शब्द है अंत में जिसके, ऐसा जो समस्त पद होगा वह नपुंसक लिंग में ही प्रयुक्त होता है। इस वार्तिक का अर्थ यह हुआ और उसी अर्थ को आचार्य दीक्षित जी ने वृत्ति में भी स्पष्ट रूप से लिख दिया है। संख्या व्ययादेहे परः कृत समासांतः पथ शब्दः संख्या व्ययादेहे परः, यहाँ पर संख्या व्ययादेहे पंचमी दिग्गी होगा, पंचमी अन्याराध्यते दीक्षब्दांचूत्र पदा जाहि युक्त सूत्र के द्वारा पंचमी भक्ति हो गई है। तो संख्या व्ययादेहे परः संख्या वाचक शब्द से पर में और अव्यय शब्द से पर में जो पथिन शब्द आएगा कृत समासांत था जिसमें कि समासांत प्रत्यय कर दिया गया है, समासांत प्रत्यय करने वाला सूत्र है यहाँ पर पथोविभाषा, इस सूत्र के द्वारा विकल्प से समासांत प्रत्यय कर दिया। रिक्पूरब्धुपथामानक्षे रिक्पूरब्धुपथामानक्षे सूत्र के द्वारा अप्रत्यय समासांत किया जाता है। तो पथिन शब्द से समासांत अप्रत्यय करेंगे, अ के परम होने पर पथिन की भ संज्ञा इनका लोप अकार आके मिल जाएगा तो पथिन पथ के रूप में आ जाता है। तो संख्यावाचक शब्द के बाद में अगर कृत समासांत पथ शब्द आ जाए और अव्यय शब्द के बाद में अगर कृत समासांत पथ शब्द आ जाए तो उससे क्या हो जाता है, वह नपुंसक लिंग में ही प्रयुक्त होता है। वृत्ति पढ़िए संख्या व्यादेः पथ शब्द क्लीबम इत्यर्थः, उसका प्रयोग नपुंसक लिंग में ही होता है। जैसे त्रयाणाम पंथास्त्रिपथम त्रयाणाम पंथा अलौकिक विग्रह त्रि आम पथिन सु अलौकिक विग्रह में षष्ठी दूसरे समास कर दीजिए, त्रिपथिन बन गया। रिक्पूरब्धुपथामानक्षे इस सूत्र के द्वारा समासांत अप्रत्यय कर दीजिए, त्रिपथिन अ औ के परम होने पर पथिन की भौ संज्ञा उनसे टीका लोप उसके बाद त्रिपथ इस प्रकार का रूप बन जाता है। अब यह समस्त पद नपुंसक लिंग में चले जाता है क्योंकि यहाँ पर समासांत पद शब्द आ गया है। तो पथ शब्द जो सूत्र में है वह कृत समासांत प्रथमांत रूप है, कृत समासांत पथ शब्द का ही प्रथमांत रूप है पथ।
तो इस प्रकार से यह समस्त पद नपुंसक लिंग में चले जाता है, तो क्या रूप बन जाता है? त्रिपथम। इसी प्रकार से विपथम विरूपः पंथाः इति विपथम कुगति प्रादेय समस्य समास हो जाएगा। विरूपः पंथा लौकिक विग्रह और विपथिन सु या पथिन सु वी करेंगे तो वी को पहले ले आएंगे तो विपथिन बन जाएगा, समासंत अप्रत्यय भवसंज्ञा इत्यादि होकर के विपथम बनेगा और वह नपुंसक लिंग में चले जाएगा। विपथम बुरा मार्ग है ना, बुरा मार्ग जिसको जो होता है उसको कहते हैं विपथम। तो त्रिपथम तीन रास्ते अर्थ हो गया, तीन रास्ते को त्रिपथम हो जाते कह देते हैं और क्या बोलते हैं विपथम आपका बुरा मार्ग को विपथम कहा जाता है हिंदी में। तो इस प्रकार से त्रिपथम विपथम इत्यादि रूपों की सिद्धि हो जाती है। तो यह पथिन शब्द कृत समासांत जब पथ के रूप में आएगा तभी नपुंसक लिंग में जाएगा। जब वो समासांत प्रत्यय लगने बिना पथिन रूप पथ के रूप में नहीं आएगा तब वह नपुंसक लिंग में भी नहीं जाएगा। जैसे कृत समासांत निर्देशान न इह, कृत समासांत निर्देश सूत्र में किया गया, वार्तिक में किया गया है, इसलिए न इह यहाँ पर नहीं हुआ। कहाँ पर नहीं हुआ? सुपंथाः अतिपंथाः सुशोभनः पंथाः इति सुपंथाः यहाँ पर नहीं हुआ। कुगति प्रादेश समास हुआ है, यहाँ पर समासांत प्रत्यय नहीं हुआ है, हैं इसलिए पथिन शब्द पथ के रूप में नहीं आया है, इसलिए यह फिर नपुंसक लिंग में नहीं जाता है, यह पुल्लिंग में ही रहता है। सुशोभना पंथाः सुपंथाः अतिपंथाः अतिक्रांतः पंथानम इत्यादय क्रांताद्यर्थ द्वितीय वार्तिक समास कर दीजिए। अतिपथिन अम समास अत्याधय क्रांताद्यर्थ द्वितीय से समास होकर प्रादिप्त संज्ञा सुप्लोक होकर अतिपथिन बन जाएगा, उसमें समासांत प्रत्यय नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर फिर यह नपुंसक लिंग में भी नहीं जाएगा, पुल्लिंग में ही इसका रूप रह जाता है अतिपंथाः। तो इस प्रकार से सुपंथाः अतिपंथाः इन दो रूपों की निष्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार से पथा संख्या व्ययादेह इस सूत्र का इस वार्तिक का विवेचन पूरा होता है। इसी प्रसंग में अग्रिम वार्तिक है सामान्य नपुंसकम यह एक बड़ा महत्वपूर्ण वार्तिक है। सामान्य नपुंसकम का तात्पर्य यह ही है कि जहाँ पर विशेष्य विशेषण नहीं है, विशेष विशेषण का वहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया है, विशेष विशेषण का सन्निधान वहाँ पर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में फिर लिंग विशेषणी समस्या हो जाती है कि यहाँ पर किस इस शब्द में कौन सा किस लिंग का प्रयोग किया जाए। तो वहाँ के लिए फिर उभयोरंतरम यच्च तदभावे नपुंसकम, इस प्रकार से जहाँ पर पुंस्त्व स्त्रीत्व इत्यादि का अभाव हो जाए वहाँ पर नपुंसक लिंग का विधान करना चाहिए। हैं यह ही जो लौकिक व्यवस्था है, पुंस्त्व स्त्रीत्व के अभाव में नपुंसक लिंग का विधान होना चाहिए। उभयो अंतरम यच्च तद्भावे नपुंसकम इत्यादि लौकिक न्याय का आचरण करते हुए इस वार्तिक का भी प्रणयन किया गया है। उसी को देखते हुए तो कहा गया कि सामान्य नपुंसकम जहाँ पर सामान्य रूप से किसी लिंग विशेष की व्यवस्था नहीं बन पा रही, लिंग विशेष की व्यवस्था नहीं बन पा रही है, वहाँ पर नपुंसक लिंग का विधान करना चाहिए। इसलिए महाभाष्यकार ने भी एक वचन उत्सर्गतः करिष्यते इत्यादि व्यवस्था दी है। तो और जहाँ पर विशेष के अनुसार लिंग निर्धारण संभव है वहाँ तो फिर आपका उसी के अनुसार लिंग निर्धारण होता है, लेकिन जहाँ पर विशेष विशेषण के अनुसार लिंग निर्धारण संभव नहीं होता वहाँ के लिए ये सामान्य नपुंसकम यह वार्तिक काम आता है और वहाँ पर फिर सामान्य रूप से नपुंसक लिंग का विधान कर दिया जाता है। और ये अनियत लिंग विषयक है, जहाँ पर लिंग का निर्धारण हो जाएगा वहाँ पर नहीं होगा, जहाँ पर लिंग का निर्धारण नहीं हो पा रहा है वहीं पर इसके द्वारा सामान्य रूप से सामान्य व्याख्या में वहाँ पर नपुंसक लिंग का विधान कर दिया जाता है। यही वार्तिक का तात्पर्य है, उसी को दो उदाहरणों के माध्यम से भी मूल में लिखा गया है। मृदु पचति प्रातः कमनीयम, मृदु पचति यह उदाहरण दिया गया और प्रातः कमनीयम यह उदाहरण दिया गया। यहाँ पर मृदु और प्रातः ये दोनों नपुंसक लिंग के हैं। अब मृदु पचति में थोड़ा समझने वाली बात है कि मृदु पचति यह क्रिया विशेषण है, जो पचति क्रिया है उसका विशेषण है मृदु, और क्रिया विशेषणानाम क्लीबत्वम कर्मत्वम एकवचनत्वं च यह व्यवस्था है। जो क्रिया विशेषण होते हैं वह नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होते हैं और वह कर्म संज्ञक होते हैं और उनमें एकवचन का ही प्रयोग होता है। इसलिए मृदु पचति में जो मृदु है वह द्वितीय व्यक्ति एकवचन का रूप है। मृदु पचति का जो मृदु है वह द्वितीय व्यक्ति एकवचन का है और नपुंसक लिंग का है, उसमें सामान्य नपुंसकम से नपुंसक लिंग हुआ है। अब यहाँ पर प्रश्न एक ये होता है कि मृदु में आखिर द्वितीय कैसे हो गई,
क्यों? क्योंकि मृदुपचति में तो ऐसा कर्मत्व इत्यादि दिख नहीं रहा है, फिर भी उसमें द्वितीय विभक्ति की गई है। यद्यपि ये अनुशासन भी है, क्रिया विशेषण क्रिया विशेषणत्वात् क्रिया विशेषण है, इसलिए क्रिया विशेषणानाम क्लीबत्व कर्मत्व एकवचनत्व च, फिर भी यहाँ पर जो सूक्ष्म विचार है वो ये है कि मृदुपचति, यह पचति का विशेषण हुआ मृदु, पचति में पच धातु है, पच धातु का अर्थ होता है विकलित्य अनुकूल व्यापार, और उसमें जो विकलित्य है वह फल है, तो विकलित्ति है फल, और फल भी व्यपदेशी व्यपदेशीवत भाव से फलाश्रय माना जाता है, हैं, और जो फलाश्रय होता है वो कर्म होता है, हैं, फलाश्रय होता है कर्म, फलाश्रय है कर्म, फल का जो आश्रय या फल जिसमें रहता है वह होता है कर्म, जैसे विकलित्ति है अवयवगत काठिन्य का मृदु होना, शिथिल हो जाना, जो चावल पहले कठोर थे उसको फिर कुकर में उबालने के बाद उनको कोमल बना दिया गया, तो यह जो अवयवगत काठिन्य था तंडुलों का उसमें शिथिलता आ जाना, यही विकलित्ति है, यही फल है, और ये विकलित्ति जिसमें रहेगी, इस विकलित्ति का जो आश्रय होगा वही कर्म बनेगा, तो विकलित्ति रहती है तंडुल में, इसलिए वह कर्म बन जाता है, तंडुलम पचति इस प्रकार का रूप बन जाता है। तो विकलित्याश्रय की कर्म संज्ञा होती है, फलाश्रय की कर्म संज्ञा होती है, तो जिस प्रकार से फलाश्रय की कर्म संज्ञा होती है उसी प्रकार से फल भी फलाश्रय माना जाता है, फल भी फलाश्रय माना जाता है व्यपदेशीवत भाव से, तो जब फल भी फलाश्रय हो गया तो फल भी कर्म बन गया, फलाश्रयत्वात् फल की भी कर्म संज्ञा हो गई, और यह जो कर्म संज्ञक व्यपदेशीवत भाव से फलाश्रय जब वो कर्म बन जाता है तो इसी कर्म में फिर मृदु इत्यादि जो विशेषण है उनका अभेद संबंध से अन्वय हो जाता है, और जब अभेद संबंध से अन्वय हो गया फलाश्रय रूपी कर्म में तो मृदु भी फिर कर्म बन जाता है, इसलिए उसमें द्वितीय व्यक्ति हो जाती है, तो मृदु पचति में जो मृदु द्वितीयांत रूप है वह उत्पन्न हो जाता है ना। और अभेद संबंध वैसे भी यहाँ पर अनुभव सिद्ध ही है कि मृदु पचति का मतलब क्या होता है, मृदु पचति का मतलब ये हुआ कि जो विकलित्ति है उसको कम करता है, या स्तोकम पचति में स्तोक है वो भी क्रिया विशेषण है, उसमें भी द्वितीय है, वो भी कर्म है, नपुंसक लिंग का है, सामान्य नपुंसकम से उसमें भी नपुंसक लिंग हुआ है, तो स्तोकम पचति का तात्पर्य ये होता है स्तोकम पाकम करोति, मृदु पचति का मतलब है मृदु पाकम करोति, है ना, तो विकलित थोड़ी विकलित्ति करता है या कम विकलित्ति करता है, हल्की विकलित्ति करता है इत्यादि अर्थ है, तो विकलित्ति जो फल है वही फला विपदेश्वर भाव से फलाश्रय बनने से कर्म बन जाती है, और उसी कर्म में मृदु स्तोक इत्यादि विशेषण का अभेद संबंध से अन्वय हो जाता है, अभेद संबंध से अन्वय होने के कारण से यह मृदु यह स्तोक ये भी कर्म बन जाता है, कर्म बनने से इसमें फिर द्वितीय व्यक्ति हो जाती है, इसीलिए क्रिया विशेषणानाम कर्मत्व क्लीबत्व नपुंस क्लीबत्व एकवचनत्व च, यह व्यवस्था भी उपपन्न हो जाती है, तो इस प्रकार से मृदु पचति स्तोकम पचति इत्यादि रूपों की निष्पत्ति हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर कोई विशेष प्रकार का लिंग नहीं होता वहाँ पर सामान्य रूप से सामान्य नपुंसकम इस सूत्र इस वार्तिक के द्वारा नपुंसक लिंग कर दिया जाता है, इसलिए मृदु पचति में मृदु नपुंसक लिंग का प्रयोग है। दूसरा उदाहरण दिया प्रातः कमनीयम, कमनीयम का मतलब होता है कमु धातु से अनियर प्रत्यय करके कमनीयम बनाया गया है, कमनीयम का मतलब है रमणीयम इत्यर्थः, प्रातः काल अत्यंत रमणीय है, तो यहाँ पर जो प्रातः है यह भी नपुंसक लिंग का ही है, प्रातः तो अव्यय है, अव्यय होने के कारण से किसी लिंग विशेष का निर्धारण नहीं कर सकते, किसी लिंग विशेष का निर्धारण नहीं होने के कारण से यहाँ पर कौन सा लिंग हो तो उसके लिए यहाँ पर व्यवस्था दे दी गई है कि सामान्य नपुंसकम, सामान्य में जहाँ पर स्त्री पुल्लिंग इत्यादि स्त्रीत्व पुंस्त्व इत्यादि अर्थ का लिंग का निर्धारण नहीं हो पा रहा वहाँ पर आपको सामान्य रूप से नपुंसक लिंग का विधान कर देना है, इसलिए यहाँ पर प्रातः में इसको नपुंसक लिंग का मान लिया जाता है, तो प्रातः कमनीयम यहाँ पर नपुंसक लिंग का प्रयोग उत्पन्न हो जाता है सामान्य नपुंसकम इस वार्तिक के द्वारा। इस प्रकार से यह दूसरा उदाहरण इसका निष्पन्न हुआ। इसी विवेचन के साथ इन सभी वार्तिकों का भी विवेचन निष्पूर्ण हो जाता है। इस क्रम में अग्रिम सूत्र फिर आता है तत्पुरुषो नय कर्मधारयः, तत्पुरुषो नय कर्मधारयः, यह तत्पुरुषो नय कर्मधारयः से लेकर के आगे का जो छोटा सा प्रकरण है यह वस्तुतः परवलिंगता का और विशेष निघ्नता का अपवाद है। इसमें परवलिंगता भी नहीं होगी और विशेष के अनुसार जहाँ पर लिंग निर्धारण होता है वो भी यहाँ पर नहीं होगा। अभी तो यहाँ पर इन प्रयोगों में जो स्थल अब इसमें आएंगे इन प्रयोगों में केवल नपुंसक लिंग का विधान होता है, उसके लिए ही आगे का प्रकरण चलेगा, जो प्रकरण इससे ठीक पूर्व का जो प्रकरण है परवलिंगता इत्यादि का, इसका यह अपवादभूत प्रकरण है जिसका विवेचन अग्रिम पाठ में किया जाएगा।